वेलकम क्लास। आज हम आपको कक्षा 8 का पार्ट 1 ध्वनि करवाएंगे, जिसके कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब इसका प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में से ध्वनि नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसमें क्या कहा गया है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। मृदुल क्या होता है? कोमल। अब इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। मतलब उसका क्या कहने का मतलब है कि अभी अभी मेरे जीवन में खुशियाँ आई हैं, अभी मुझे बहुत कुछ करना है, अभी न होगा मेरा अंत। अतः कवि को क्या विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं हो सकता। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड में क्या कहा गया? इसका प्रसंग पूर्वत पहले जैसा ही रहेगा। इसमें क्या कहा गया है? हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात। अब इसमें ये है कि हरे हरे पत्ते रूपी भाव तथा कोमल डालियाँ रूपी प्रेरणाएं तथा कोमल गात होता शरीर, कोमल शरीर रूपी कलियाँ, शरीर रूपी आशाएं अभी अभी उसके मन में विकसित हुई हैं। मैं ही अपना स्वपन, स्वपन होता सपना, मृदुल होता कोमल कर हाथ, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। निद्रित होती है सोई हुई, प्रत्युष सुबह। अब इसमें कवि क्या कहते हैं कि मैं ही अपना, मैं स्वपन की तरह मृदुल कोमल हाथ फेरकर निद्रित कलियों पर, कोमल हाथ फेरकर इन सोई हुई कलियों में नव जीवन प्रदान करूंगा। मतलब उनका जीवन नई ताजगी से भर दूंगा। अब हम नंबर 3 पे करते हैं। अब इसका प्रसंग भी वैसे ही रहेगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, तंद्रालस क्या होता है? अलसाई हुई, लालसा कुछ पाने की चाह, सहज खुशी खुशी। अब इसमें पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहज सींच दूँगा। अब इसमें कवि क्या कहते हैं कि मैं खुशी खुशी अपने जीवन रूपी अमृत के इन कलियों के फूलों को सींचकर हरा भरा करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? हरा भरा करना चाहता हूँ। उसमें क्या कहते हैं कि मैं अभी अपने जीवन में, मतलब नया उमंग और नया जोश, इसके माध्यम से कहना चाहता है कि अपने जीवन में नया उमंग और नया जोश को पैदा करना चाहता हूँ, मतलब उत्पन्न करना चाहता हूँ, और मैं इतनी जल्दी अपने जीवन से हार नहीं मान सकता। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मतलब अपने माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उन निराश हुए लोगों को कहना चाहता है कि मैं उनके मन में भी नया जोश भर दूंगा। मतलब जो लोग जीवन से निराश हो चुके हैं तो उनके बारे में कहना चाहता है कि मैं उनमें भी उमंग नया जोश भर दूंगा, अभी न होगा मेरा अंत। मेरा अंत अभी नहीं हो सकता, मुझे अभी अपने जीवन में बहुत कुछ करना है। और इसका विशेष क्या रहेगा? इसमें प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया गया है और इसकी भाषा सरल और सहज है। ठीक है, समझ आ गया बच्चों आपको?